हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मैकियावली पर। BA पार्ट तृतीय का फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। उसमें मैकियावली पर चर्चा करेंगे। मैकियावली ने प्रिंस में शासक को क्या-क्या परामर्श दिए, अर्थात एक सफल शासक के क्या गुण हो सकते हैं, या राज्य हितों की सुरक्षा हेतु मैकियावली ने क्या-क्या सुझाव दिए। बच्चों, प्रिंस के 8वें अध्याय में मैकियावली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। इस विषय में उसकी शिक्षाएं इस प्रकार है। प्रथम है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावली, शक्ति ही सत्य है मैं विश्वास करता है, और मैकियावली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है शक्ति। अतः मैकियावली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए निर्देश देता है। इस संबंध में मैकियावली का विचार है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना है, और यह कार्य शक्ति के आधार पर ही संभव है। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, साम दाम दंड और भेद को अपनाना। मैकियावली के द्वारा अपने नरेश को साम दाम दंड और भेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोग समझे कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों और अन्य राज्यों के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना राज्य के हित में हो। तीसरा पॉइंट है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। देखिए बच्चों, मैकियावली के अनुसार छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए, समझे? शासन के विरुद्ध किए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों और उपद्रवों को जानने और उनसे बचने के लिए उसमें लोमड़ी की चालाकी, समझ में आ रहा है ना, और मक्कारी एवं भेड़ियों अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए उसमें सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य मानवीयता और पशुता के विरोधी तत्वों से मिलकर बना है, अतः राजा को इन दोनों तत्वों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आगे मैकियावली कहता है कि कानूनों का चौथा पॉइंट है कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करना। कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है, अतः राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखानी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कानून की अवहेलना करने वालों को सदैव ही भय बना रहे। पांचवा पॉइंट है सैनिक शक्ति का विस्तार और राज्य की स्थिति बनाए रखना। मैकियावली की मान्यता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। मैकियावली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ नहीं हो सकती। छठा पॉइंट है राष्ट्रीय सेना का गठन। नरेश को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। उसे किराए की सेना पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकियावली के अनुसार असंगठित, महत्वाकांक्षी, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ और मित्रों से बहादुर परंतु शत्रुओं से कायर होते हैं। उन्हें ईश्वर से कोई भय नहीं होता और मनुष्य में कोई विश्वास नहीं होता। एक अन्य स्थान पर वह लिखता है, दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं या अति भार डालते हैं या बाधा प्रस्तुत करते हैं। सातवां पॉइंट है आचरण भयमुक्त हो लेकिन घृणित नहीं।
मैकियावेली के अनुसार प्रेम की अपेक्षा भय मानव जीवन का अधिक स्थायी तत्व है। अतः प्रजाजन के हृदय में प्रेम की अपेक्षा भय उत्पन्न किया जाना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रेम घृणा में न बदल पाए, अन्यथा राजा और राज्य दोनों का ही नाश अवश्यंभावी है। आठवां पॉइंट है सम्मानपूर्ण आचरण। राजा के द्वारा, मैकियावेली कहता है कि राजा के द्वारा अपने सम्मान और अपने प्रति भय को बनाए रखने के लिए सम्मानपूर्ण आचरण को अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उसके द्वारा दो कार्य किए जाने चाहिए। प्रथम, प्रजा वर्ग में स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। द्वितीय, प्रजा की संपत्ति छीनने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लोग निश्चय ही उससे घृणा करने लगेंगे। इस संबंध में मैकियावेली यह भी कहता है कि राजा के द्वारा प्रजा की सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। नवा पॉइंट है योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। मंत्रियों के चयन में राजा के द्वारा बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की योग्यता और वफादारी पर ही शासन की कुशलता निर्भर करती है। मैकियावेली के अनुसार राजा के द्वारा मंत्रियों से परामर्श लिया जाना चाहिए। दसवां पॉइंट है चापलूसों से दूर रहना। मैकियावेली के अनुसार आत्मस्तुति मानव की स्वाभाविक कमजोरी है, अतः शासक को चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। चापलूस लोग राज्य और राजा के लिए कोई भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं, अतः राजा के द्वारा चापलूसों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्यारहवां पॉइंट है मितव्ययिता लेकिन साथ ही उदारता। राजा को अपने खर्च में कमी करनी चाहिए जिससे राजकोष में हानि न हो, परंतु लड़ाई में लूट का जो भी माल आए उसे चुपचाप खजाने में नहीं रखना चाहिए, परंतु उसे उदारतापूर्वक प्रजाजनों और सैनिकों में बांट दिया जाना चाहिए जिससे वे संतुष्ट रहे। बारहवां पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति और सदैव ध्यान देना चाहिए, अन्यथा राज्य निर्धन हो जाएगा और इसका कुफल उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसे स्वयं व्यापार और वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कला और साहित्य पर रुचि। तेरहवां पॉइंट है राजा को कला और साहित्य में रुचि लेनी चाहिए जिससे जनता ये समझे कि राजा इनके विकास और उन्नति के लिए सदैव उत्सुक है। इसके साथ ही प्रजा का दिमाग बड़ी बड़ी योजनाओं में लगाया जाना चाहिए जिससे जनता उसके विरोध की बात न सोच सके। चौदहवां पॉइंट है निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार, उपाधियाँ और पद प्रदान किए जाने चाहिए। पुरस्कार, उपाधियाँ और पद प्रदान करने के कार्य राजा के द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे ख्याति बढ़ती है। लेकिन दमन करने और दंड देने से जैसे अप्रिय कार्य राजा के द्वारा अपने अधिकारियों से कराए जाने चाहिए जिससे जनता के हृदय में राजा के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न न हो। पंद्रहवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नरेश को शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए जिससे कोई भी पड़ोसी राज्य इतना शक्तिशाली न हो पाए कि जिसके सामने इसे नतमस्तक होना पड़े। उसे पड़ोसी राज्य में सदैव ही हस्तक्षेप करते रहना चाहिए जिससे वे अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए उसका मुंह ताक सके, ताका करें। मैकियावेली यह भी कहता है कि पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा उसे मित्र बनाया जाना चाहिए। सोलहवां पॉइंट है विजित राज्य की जनता से मैत्री। दूसरे राज्य पर अधिकार करने के बाद उसके संविधान में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ की प्रजा को प्रलोभन देकर और उसे अच्छे व्यवहार में अपना मित्र बना लेना चाहिए तथा पहले शासक की भूलों को सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने राज्य के उदय विस्तार और राजा के आचरण के संबंध में जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनसे नितांत स्पष्ट है कि मैकियावेली ने राज्य का कोई दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। न तो उसके द्वारा राज्य की परिभाषा की है, न राज्य की उत्पत्ति विकास का विधिवत रूप से कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है और न ही राज्य के तत्वों आदि के विश्लेषण और उस पर विचार किया है। वस्तुतः मैकियावेली की विचारधारा राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है कि राज्य की संबंधी कोई दर्शन। राज्य संबंधी दार्शनिक प्रश्नों की अपेक्षा उसकी दृष्टि यथार्थवादी राजनीतिक प्रश्नों पर ही अधिक रही है। उसने राज्य की अपेक्षा शासन, आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक विषयों के संचालन पर अधिक ध्यान दिया है। उसने अपने ग्रंथ प्रिंस में नरेश के लिए निर्देशों का विशद विवेचन किया है। उसे नितांत स्पष्ट है कि उसके विचार प्रशासक के लिए हैं और उसने शासन की कला का ही विस्तृत अध्ययन किया है। धन्यवाद।